अगर आपको पता भी कि आपका इंटरव्यू सही होगा भाई, आपका लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं होना होता। जी मैंने अप्लाई किया है, बहुत सी जगह अप्लाई किया है, लेकिन हम देखते हैं ना हमारे यहाँ यानी जो हुकूमत है वो इस तरह की जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही। प्रॉपर ट्रांसपेरेंट निजाम नहीं है पाकिस्तान में, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, हिपोक्रेसी सारे मिक्सचर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो दफन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, IRK न्यूज से मैं हूँ चांद चौहान। जी नाज़रीन, तो आज हम मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट से राय मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जैसा कि हर साल यूनिवर्सिटी तकरीबन 4,80,000 के करीब स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, जिनमें से सिर्फ 1,72,000 स्टूडेंट ही मुलाजमत हासिल कर पाते हैं। जो 3,08,000 के करीब स्टूडेंट हैं वो बेरोजगारी का शिकार है। तो चलते हैं कुछ स्टूडेंट के पास, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं क्योंकि उनका क्या कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम बाबर इकबाल है। बाबर साहब आपकी एजुकेशन क्या है? यार मैंने ग्रेजुएशन की है। तो सर ये दुकान आपकी है? जी जी मेरी दुकान है। तो सर आपने ग्रेजुएशन के बाद ये दुकान किस लिए खोल ली? यार ये दुकान इसलिए खोली है कि पहले मैंने जब ये अपनी तलीम मुकम्मल की है ना, तलीम मुकम्मल करने के बाद पहले मैंने बड़ा अप्लाई किया है मुख्तलिफ जगह पे। अच्छा। पुलिस में भी किया है और भी नादरा के वगैरह ऑफिस में भी अप्लाई किया है, तो मेरा कुछ बना नहीं है। उधर भाई सिफारिश बड़ी चलती है, जिस बंदे के पास स्किल्स हैं ठीक है उसकी कोई वैल्यू नहीं है उधर। अच्छा। आपने जाना है उधर, आप जाओगे सारा दिन जाओगे, सुबह जाके आपने उनको जाके देना है, सारा दिन आपने उधर खड़े रहना है, खड़े रह के धूप में आप जाओगे, मगर गर्मी है या सर्दी है जो जैसा भी मौसम आप गए हो, सुबह के आप 7 बजे उधर गए हो, सारा दिन खड़े हो गए, शाम को आप घर आ गए हो ठीक है, इंटरव्यू वगैरह दे के आए हो, अगर आपको पता भी कि आपका इंटरव्यू सही हो गया, पर आप जब घर पहुँचे हो ठीक है कुछ दिनों बाद पता लगे आप गया भाई आपका लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं होना उधर, क्योंकि उधर सिफारिश बड़ी चलती है। तो आप क्या समझते हैं सबका जिम्मेदार क्या गवर्नमेंट है जो फैसिलिटेट नहीं करती स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं? उनको फैसिलिटेट नहीं करती, फैसिलिटी इसलिए नहीं करती कि उनको उनका जो मुराद है वो बुलंद नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि बच्चा जो इतने पैसे लगा के पढ़ रहा है ठीक है, अब उसको आगे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि यार आप पढ़ रहे हो ठीक है, जो ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में या ऐसे सरकारी सरकारी इदारों के बंदे होने चाहिए जो आगे विजिट करें यूनिवर्सिटी में और उनको मोटिवेट करें कि भाई जी आप पढ़ो, आप जॉब हम आपको देंगे, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। यानी कि अपना बिजनेस आपने शुरू कर दिया, आपने फील किया कि ये जो स्टेट है आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, और आप अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो जनाब का यही कहना है, इन्होंने ये दुकान डाल ली है, अब ये खुशी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, यही कहना है सर आपका? भाई जी ऐसा ही है, मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा वगैरह सीन नहीं है, आपकी जॉब नहीं लगती, तो आप अपना बिजनेस करो, बिजनेस सीखो, बिजनेस करो और अल्लाह पाक आपको बिजनेस में देगा। सर आपका नाम? मोहम्मद जैद। जैद साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं बीएस किया है और मेरा जो एमफिल वो कंटिन्यू जा रहा है। कंटिन्यू जा रहा है, तो सर आपने कहीं अप्लाई किया? जी मैंने अप्लाई किया है, बहुत सी जगह अप्लाई किया है, लेकिन हम देखते हैं ना हमारे यहाँ यानी जो हुकूमत है वो इस तरह की जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही, बहुत से यानी जो ग्रेजुएटेड लोग हैं वो बेरोजगार फिर हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास यानी जॉब देने के लिए यानी वो हमारे पास जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए हम जिम्मेदार इसमें किसी को नहीं लेते, हमारा जो पॉलिटिकल जो इश्यूज है ना अगर वो यानी रिजोल्व हो जाए तो उसकी वजह से फिर हमारे माशरे में जॉब आ सकती है। अब हम देखते हैं ना कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसका कोई ना कोई एजेंडा होता है कि हम इस तरह से यानी इस चीज़ में हम टीचर भर्ती करेंगे ठीक है। अब मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड है, अगर टीचिंग के लिए अब यानी जब जॉब नहीं आएंगी हमें तो हमसे जो पहले लोग हैं MPhil PhD करके बैठे उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली, हमारा तो रिसेंटली अभी हुआ है ना, तो हम अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपका नाम सर? एहसन अली। एहसन साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BS इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल। BS इंजीनियरिंग, तो सर आप जॉब होल्डर हैं कि नहीं? नो स्टिल नॉट। कितनी देर से? अराउंड अबाउट 2016। 2016 से? यप। तो सर आपने कहीं अप्लाई किया? अप्लाई तो बहुत जगह पे किया है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया आपने? हर गवर्नमेंट का सेक्टर, आई एम बेसिकली CSS एस्पिरेंट और एक CSS का अटेम्प्ट भी दिया है मैंने। अच्छा जी जी। तो सर आपको क्या लगता है कि आप में स्किल्स की कमी है या गवर्नमेंट या क्या आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिजेक्शन का आपको सामना किस वजह से? ब्रूटली फेलियर ऑफ द सिस्टम है और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ ही फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, हिपोक्रेसी सारे मिक्सचर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो दफन हो जाता है। राउंड अबाउट पाकिस्तान में हर साल 4,80,000 ग्रेजुएट्स होते हैं, और इनको इंक्लूड करके इनके साथ ही मिलाएं आप तो राउंड अबाउट बाहर से जो फॉरेनर स्टेट्स हैं वहाँ से जो अब्रॉड से पढ़ के आते हैं हमारे बच्चे, वो इंक्लूडिंग राउंड अबाउट जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था उस साल तो 160,000 वो भी थे।
तो ये आप मिलाते जाएं हर साल, ये जितने ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी 8.6% के बेसिस पे हर साल बढ़ रहा है। सर आपका नाम? नईम अख्तर। नईम अख्तर साहब आपकी एजुकेशन क्या है? एमफिल एजुकेशन। एमफिल एजुकेशन, हाँ जी। किस यूनिवर्सिटी से सर? मीना यूनिवर्सिटी से। सर आप अब कहाँ पे जॉब कर रहे हैं इस टाइम? मैं प्राइवेट अकेडमी। प्राइवेट अकेडमी में? हाँ जी। एमफिल करने के बाद? हाँ जी। तो सर आपने कहीं अप्लाई नहीं किया, यानी कि आपने जो डिग्री की आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना कि मैं ये डिग्री करने के बाद ये करूँगा, तो आपका क्या थिंकिंग पॉइंट था? मैंने अप्लाई किया था लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों सेलेक्ट नहीं हुई, आपको क्या लगता है? ये तो रीज़न नहीं पता, लेकिन ये है कि आपको पता है मोस्टली जो है करप्शन का दौर है, तो इस वजह से मुश्किल ही है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा जो है उनको प्रेफर करते हैं। यानी कि आपको लगता है कि आपने डिग्री की, आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है? ये तो फिर कंफर्म नहीं है कि वैल्यू है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट उन लोगों को देती है जो पैसा लगाते हैं, जो रिश्वत लगाते हैं, तो आपके पास देने को पैसा नहीं है फिर? नहीं। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलावल। बिलावल साहब आपकी एजुकेशन क्या है? जी भाई मैंने अभी बैचलर्स कंप्लीट किया है। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, और कितनी दफ़ा आप अप्लाई कर चुके हैं? जी अप्लाई तो किया है, काफ़ी जगह कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह से रिजेक्शन आई। अगर कहीं पे काम था भी सही तो मतलब अनपेड काम था, तो इसी वजह से मैं कहीं नहीं गया। मतलब आपने कई दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं, रिजेक्शन की आपको क्या वजह लगती है, कि क्या स्किल्स की कमी है या सिर्फ डिग्री की डिमांड है जहाँ पे आपने अप्लाई किया? नहीं नहीं, स्किल्स भी थे, मैंने इंटर्नशिप भी पहले की हुई थी। अब आई डोंट नो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब होगी इदारों की, या उनके पास ऐसे लोग हैं जो फ्री में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फ्री में मैं काम नहीं करना चाहता और पे उन्होंने मुझे नहीं किया, दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। तो आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहिए कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी निकाले ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मेरा पैगाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए, कि गवर्नमेंट तो पहले अपनी तरफ से करे जो कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टूडेंट्स को या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना बंद करें। अगर आप किसी से 12 घंटे काम ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसे पे तो करें, मिनिमम जो वेज है वो तो पे करें, वो भी यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। जी नाजरीन, तो इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।